नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं गगन सर एक बार फिर से ओम गुरुकुल अकेडमी से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से नया डायरेक्शन लेकर आए हैं। डायरेक्शन के आज हम लोग टाइप टू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट वीडियो आप लोगों को मैंने जारी कराया था, जो आपने देखा था वो बहुत पसंद किया आप लोगों ने, बहुत लाइक किया, ठीक है। इसी तरह से आगे भी आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें। और देखिए आज हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा परछाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शंस में दो तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो दूसरा टाइप अब हमारा ये आ गया है परछाई से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जिन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए परछाई क्या होती है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। देखिए आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है कि परछाई से संबंधित प्रश्न। अब देखिए अगर हम इसको एक्सप्लेन आपको करें तो बहुत ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थीगण। ये देखिए यहां पे ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ये देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और फिर से देखिए आ गया ये आपका वेस्ट। अब यहां पे देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं। यहां पे सूर्य जो है दो तरीके से अपनी एक्टिविटीज करता है। पहला सूर्य उदय होता है और दूसरा सूर्य छुपता है। तो जब सूर्य हमारा उदय होता है तब किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं उससे रिलेटेड, और जब सूर्य हमारा छुपता है तब कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई सूर्य हमारा, ये देखिए जब सूर्य उदय होता है तो आप देखिए ईस्ट में, हमेशा कहां उदय होगा आपका, ईस्ट में होगा, ठीक है। तो जब ईस्ट में उदय होता है तो परछाई से रिलेटेड बात करेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए किसी बंदे का फेस नॉर्थ में है तो भाई उसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। अब देखिए जब लेफ्ट ऊपर लेफ्ट होगा ये राइट होगा, और यहां लेफ्ट होगा यहां राइट होगा आपका, और ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, और अब देखिए ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा। ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब याद होगा। तो अब बात करते हैं यहां पर जब कोई पर्सन नॉर्थ में फेस करके खड़ा होता है तो देखिए भाई ये पर्सन नॉर्थ में फेस किए हुए है तो ध्यान रखना प्रातः काल का समय हो। दो ही तरीके के इसमें टाइम पीरियड दिए जाते हैं, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, ठीक है। जो मॉर्निंग टाइम का समय दिया गया होता है आप देखिए प्रातः काल का, तो प्रातः काल में क्या होता है, प्रातः काल में बंदा जब नॉर्थ में फेस करके खड़ा होगा कोई तो बेटे परछाई सदैव उसके बाएं बनेगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। और अगर कोई पर्सन साउथ में फेस कर देता है तो परछाई सदैव उसके दाएं बनेगी। एक चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी, देखिए परछाई हमेशा जब सूर्य हमारा पूरब में निकलता है तो परछाई हमेशा देखिए वेस्ट की ओर आपको बनते हुए दिख रही होगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि सूर्य जब आपका पूरब में निकलेगा तो परछाई सदैव वेस्ट साइड में ही आपकी बनती है। देखिए नॉर्थ में फेस था तो परछाई लेफ्ट में बन रही थी, यानी कि देखिए वेस्ट की ओर बन रही थी। और देखिए जब उसका चेहरा आपका साउथ में था तो भी परछाई देखिए वेस्ट साइड में बन रही थी, यानी कि राइट में बन रही थी। अब अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन पे जाएं तो आप ये देखिए पर्सन का फेस जब सूर्य की तरफ होता है तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी किसी पर्सन का फेस सूर्य की तरफ होगा तो उसकी परछाई सदैव उसके पीछे डायरेक्शंस में बनती है। ये देखो बेटे चेहरा उसका ईस्ट की ओर है तो परछाई सदैव उसके पीछे बनेगी, और आप देखिए चेहरा अगर उसका वेस्ट की ओर हो जाता है तो परछाई सदैव उसके आगे बनती है। ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होता है, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसी से रिलेटेड अब आपके सामने क्वेश्चंस भाई बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रातः काल का समय, प्रातः काल यदि किसी व्यक्ति का फेस जो है उत्तर दिशा में हो तो परछाई सदैव उसके बाएं बनती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए यहां पर बनाए गए हैं ताकि जब क्वेश्चंस आप लोग करें तो क्वेश्चन करते समय बहुत ही इजिएस्ट वे पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब देखिए इसी पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा अगर करें, कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा अगर हम करें इसी पे, तो देखिए अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो दिया है उसको समझाया हुआ है, जरा देखिएगा ध्यान से आप लोग। इसमें क्वेश्चन जैसे आपसे फ्रेम करता है कि प्रातः काल का समय है और कोई पर्सन नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हुआ है,
ठीक है, फिर वो अपने बाएं टर्न करता है, बाएं मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, अभी पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं आपको, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, बाएं टर्न करता है 90 डिग्री के एंगल पर, तो 90 डिग्री के एंगल पे जब वो टर्न करेगा तो देखिए पर्सन यहां आ जाएगा आपका भाई, अब 90 डिग्री पे टर्न किया तो फेस उसका ऑब्वियसली सी बात है कहां हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन चूंकि आपका मॉर्निंग टाइम से रिलेटेड है और वो कहता कि नॉर्थ में फेस करता है, फिर वो 90 डिग्री के एंगल पे अपने लेफ्ट टर्न करता है, तो लेफ्ट टर्न करेगा तो फिर चेहरा देखो उसका कहां हो जाता है बेटे, वेस्ट में हो जाता है। और यहां पर क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाता है, बताओ उसकी परछाई कहां बनेगी, तो आप देखिए उसका चेहरा वेस्ट में फेस कर रहा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो परछाई सदैव उसकी कहां बनेगी, सामने बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि ये प्रातः काल का समय है, प्रातः काल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, आगे आपको बताते हैं, ये देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर टू, सायंकाल की बात करते हैं। सायंकाल का क्या समय मतलब होता है, सायंकाल का मतलब होता है कि जब सूर्य हमारा छुप रहा होता है, सायंकाल में जब सूर्य हमारा छुप रहा होता है उस समय क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। ये देखिए यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट है, फिर से उसी बात पे आ जाते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वाला आपका वेस्ट हो गया। अब देखिए सूर्य आपका इस तरीके से यहां वेस्ट में पहुंच गया भाई, ये अपोजिट कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है। देखो सभी मित्रों, प्रिय छात्रों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो कि जब कभी किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो आप उसमें क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, फिर उसके अलावा यहां पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग यहां पर मेहनत से पढ़िए और घर पे जो क्वेश्चंस यहां पे इसको देखने के बाद लगाइए जरूर, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। ठीक है, और देखिए एक चीज मैं आप सब लोगों को और बता रहा हूं कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनको लाइक करें और उनको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि और लोग जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब कॉन्सेप्ट इसका आपका अपोजिट आ जाता है सायंकाल का। तो सायंकाल में क्या होता है, सायंकाल में भैया सूर्य जो है वो पश्चिम की ओर हमारा छुप रहा होता है। ठीक है, अब जब पश्चिम की ओर वो छुप रहा होता है तो अब ये मॉर्निंग टाइम का यानी प्रातः काल का बिल्कुल जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाता है। कैसे, सूर्य छुप रहा है पश्चिम में तो ध्यान रखे परछाई सदैव किसी भी पर्सन की होगी, ईस्ट साइड में इंडिकेट करेगी। नाउ देखिए कोई किसी पर्सन का फेस जैसे मान लीजिए नॉर्थ में दिया हुआ, फिर से तो अभी बता चुके थे हम आपको ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो अब परछाई का फेस चेंज हो जाएगा। अब परछाई शाम के समय पर अब परछाई आ जाएगी आपकी राइट साइड में, ये देखिए कॉन्सेप्ट में भी आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए जब किसी का होता है उत्तर में फेस, ये देखिए तो परछाई उसके दाएं बन जाती है। और यहीं पे जस्ट अगर अपोजिट की हम लोग बात कर दें, यानी कोई पर्सन जो है वो साउथ में फेस करे, साउथ में फेस करेगा तो परछाई बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बेटे पहुंच जाएगी, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो अब परछाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि परछाई लेफ्ट में बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए किसी पर्सन का फेस वेस्ट में दिया हुआ है, वेस्ट से सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आप ये समझिए, अगर किसी पर्सन का चेहरा सूर्य की तरफ होगा तो परछाई सदैव उसके पीछे बनेगी, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे फिर वो शाम का समय दिया हो भाई। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए चेहरा जो है वेस्ट में है तो ऑब्वियसली सी बात है परछाई कहां जाएगी भाई, पीछे जाएगी। और अब देखिए चेहरा अगर ईस्ट में कर लें, चूंकि सूर्य हमारा वेस्ट में निकला हुआ है, तो परछाई कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे शैडो में फॉलो करते हैं। अक्सर विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि सर जब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाते समय हम लोग जो है जब टर्न करते हैं तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि परछाई हमारी किस दिशा में चली जाएगी। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर कहीं दिक्कत समस्या आपको क्रिएट होती है तो उसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। हाँ भाई, अब देखिए हम आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर वन पे, जो अभी तक हम आपको समझा रहे थे। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर वन में ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, प्रातः काल का कॉन्सेप्ट है और इसमें वो ये कह रहा है कि सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति सूर्य को प्रणाम करता है,
अभी देखिए मैंने आपको बताया, यानी कि मॉर्निंग टाइम का अगर समय होगा, ठीक है, और वो सूर्य को प्रणाम करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो चेहरा होगा बेटे, वो कहाँ होगा? ईस्ट की ओर चेहरा होगा। ध्यान से देखेंगे, सूर्य को अगर प्रणाम कर रहा है तो, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट नंबर वन पे आधारित है। तो वो क्या कह रहा है कि यदि सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति सूर्य को प्रणाम करता, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, सूर्य को प्रणाम करता है तो उसकी परछाई उसके कहां बनेगी? तो उसकी परछाई उसके कहां बनेगी? देखिए ईस्ट की ओर देख रहा है पर्सन। तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का समय है? अगर मॉर्निंग का समय है तो इसका मतलब ये हो गया है कि सूर्य की तरफ देख रहा है, तो परछाई सदैव पीछे जाते जाएगी आपकी। आप ये याद रखो कि अगर किसी पर्सन का चेहरा सीधे सीधे सूर्य की ओर होगा तो परछाई सदैव उसके अपोजिट बननी है भाई। तो देखिए वो देख रहा है ईस्ट की ओर, तो कह रहा है परछाई कहां बनेगी? तो परछाई बनेगी पीछे। तो पीछे किस ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो भाई आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन आया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थी, वो ये कह रहा है यदि मैं प्रातः काल किसी व्यक्ति से हाथ मिलाऊं, यानी के मिलाऊं और वह व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हो, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं किसी व्यक्ति से हाथ मिला रहा हूं, अगर वह व्यक्ति पश्चिम की ओर फेस करके खड़ा और टाइम पीरियड मॉर्निंग का है, मैं उससे इस तरीके से हाथ मिलाऊंगा भाई, तो इसका मतलब है अगर उस व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर होगा तो डेफिनेटली मेरा चेहरा कहां होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मेरा चेहरा ईस्ट की तरफ हो जाएगा भाई। ये देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखिए चूंकि उस व्यक्ति का चेहरा वेस्ट की ओर है, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, अगर उस व्यक्ति का चेहरा वेस्ट में है और मेरा चेहरा कहां होगा भाई? ईस्ट में होगा, ठीक है। तो व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा, तो मेरी परछाई कहां बनेगी? अब देखो बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई भाई, तो अगर मेरा चेहरा अगर ईस्ट में होगा और प्रातः काल का समय होगा, मतलब मेरा चेहरा तो सूर्य की ओर हो गया ना, और जब मेरा चेहरा सूर्य की ओर होगा तो फिर मेरी परछाई कहां जाएगी भाई? पीछे जाएगी। तो देखो इसका आंसर भी वही आ जाएगा भाई, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि मैं प्रातः काल किसी व्यक्ति से हाथ मिलाऊं और वह व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हो, तो मतलब क्या हुआ? मैं कहां खड़ा हो जाऊंगा? वेस्ट की ओर, क्योंकि आमने सामने होकर हाथ मिलाते हैं, तो मेरी परछाई कहां बनेगी? तो आंसर आ जाएगा मेरी परछाई पीछे बनेगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ भाई अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातः काल जब मैं घर से ऑफिस के लिए जा रहा था, देखो फिर से वही वाली बात आ गई, टाइम पीरियड कहां का है? प्रातः काल का है, यानी मॉर्निंग टाइम का फिर से आ गया। आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो प्रातः काल का समय, ये देखिए सूर्य देवता फिर से हमारे कहां दिख रहे हैं? ईस्ट में। तो प्रातः काल जब मैं घर से ऑफिस के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बस मेरे विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है, एक बस उसके विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। यदि बस की परछाई बस के पीछे हो तो मेरी परछाई कहां होगी? अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है? अगर बस की, क्योंकि बस मेरे विपरीत डायरेक्शन से आ रही है, अगर बस की परछाई बस के पीछे है तो एक बात तो तय है कि बस का चेहरा कहां हो जाएगा भाई? ईस्ट में हो जाएगा। जब ईस्ट में होगा, क्योंकि टाइम पीरियड मॉर्निंग का है, जब ईस्ट में उसका चेहरा होगा तभी तो बस की परछाई बस के पीछे बनेगी भाई। तो बस का चेहरा अगर ईस्ट में हो गया तो मेरा चेहरा कहां हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा। और मेरा चेहरा वेस्ट में हो जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है फिर मेरी परछाई कहां बनने लगेगी? आगे बनने लगेगी। तो वो यही कह रहा है कि बस की परछाई पीछे हो तो मेरी परछाई कहां होगी? तो कहां होगी? सामने होगी। अब इसको तुम उल्टा कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर बस मेरे विपरीत दिशा से आ रही है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरी परछाई मेरे आगे बन जाएगी, क्योंकि हम और दोनों किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड बेटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको समझना होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। सभी लोग देखिए, हाँ जी ये देखिए ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में लिख रहा है
के प्रातः काल यदि कोई ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हो, बहुत बढ़िया, देखिए पूरब दिशा से यानी मॉर्निंग पीरियड है भाई, इसको समझेंगे। अब प्रातः काल का समय पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है इसका मतलब ये हो गया वो सूर्य के विपरीत दिशा में जा रही है भाई। अब वो जो सूर्य के विपरीत दिशा में जा रही है यानी पूरब से पश्चिम, यानी उसका चेहरा कहां हो गया, ट्रेन का पश्चिम की ओर हो गया, की ओर जा रही है, तो ट्रेन की परछाई किस तरफ बनेगी, लो फिर वही वाली बात आ गई। अब भैया जब ट्रेन का चेहरा पश्चिम की ओर होगा तो इसका मतलब है ट्रेन की परछाई कहां बनेगी, उसके सामने बनेगी। क्यों सामने बनेगी, क्योंकि वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, सूर्य तो भाई पूरब में निकलता है, तो इसका मतलब है लिखा हुआ है ट्रेन के सामने, ट्रेन के पीछे, ट्रेन के दाएं, ट्रेन के बाएं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो भैया कहां बनेगी, ट्रेन के सामने बनेगी। ठीक है, अब इसी में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने निकल के, पढ़िए सभी लोग पढ़ेंगे इसको और देखेंगे, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें सारे विद्यार्थी। यदि प्रातः काल रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो देखिए ये मॉर्निंग पीरियड फिर से आ गया भाई, अब वो उत्तर की ओर चलना चालू कर रहा है। आप बना लीजिए, जब आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ करे तुरंत डायग्राम बनाइए, डायग्राम आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि प्रातः काल रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करे, नॉर्थ में चल रहा है, ठीक है, और कुछ दूर चलने के बाद क्रमशः बाएं बाएं मुड़े, तो देखिए ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, पहला बायां मुड़ेगा यानी मुड़ेगा तो आ जाएगा वेस्ट में, फिर बायां मुड़ेगा तो कहां आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, बाएं बाएं मुड़े तो अब उसकी परछाई कहां बनेगी। अब देखिए ये प्रातः काल का समय, एक्चुअल में जो रवि है उसका चेहरा तो भाई साउथ में आ गया आपका, अब चेहरा अगर उसका साउथ में आ जाएगा प्रातः काल का समय होगा, तो मैं बता चुका हूं आपको, तो परछाई सदैव कहां बनती है, दाएं बनती है, तो यहां पे दाएं जो होगा वो विकल्प होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए घबराइए नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार पहले अच्छे से देखिए, पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट यहां दिए जा रहे हैं उनको समझने का प्रयास करें। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं अच्छे से इसको देखें और इससे सीखने का प्रयत्न करें। आप सभी लोग ध्यान से देखें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट टू आ गया भाई, कॉन्सेप्ट टू से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट टू, कॉन्सेप्ट टू मतलब सायंकाल, तो सायंकाल पे हम लोग सारे विद्यार्थी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए जरा समझिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि एक शाम, अब देखिए इवनिंग टाइम की बात आ गई, तो इवनिंग टाइम के लिए आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो फिर से एक डायग्राम, हमेशा जब भी तुम्हें कोई लगे कि हाँ कोई दिक्कत है समस्या है तो तुरंत डायग्राम, और 2 से 5 सेकंड लगते हैं इसको बनाने में, ये लीजिए बन गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, एक शाम मैं ऑफिस से घर के लिए निकला, ठीक है शाम का समय था, अब शाम के समय निकल रहा है मतलब सूर्यास्त की बात हो रही है, हमेशा ध्यान रखो टाइम पीरियड तुम्हें याद रखना कि मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम है। ठीक है, अब देखिए एक शाम मैं ऑफिस से घर के लिए निकला, मैंने देखा कि एक स्कूटर मेरे विपरीत दिशा से आ रहा है। मैं भैया जब ऑफिस से घर के लिए निकला तो मैंने देखा कि एक स्कूटर है वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक, यानी विपरीत दिशा से आ रहा है। यदि मेरा मुंह पश्चिम में हो, समझो बेटे मेरा मुंह अगर पश्चिम साइड में हो, ठीक है, तो स्कूटर की परछाई कहां बनेगी। अब ये देखो कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई, अगर स्कूटर मेरे विपरीत दिशा से आ रहा है, मेरा मुंह पश्चिम की ओर है, तो इसका मतलब है कि स्कूटर का मुंह कहां हो जाएगा भाई, पूरब की ओर हो जाएगा, और जब स्कूटर का मुंह पूरब की ओर हो जाएगा तो इसका, चूंकि शाम का समय है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा परछाई कैसे बनती है, सूर्य की ओर मुंह होगा तो विपरीत दिशा में, अभी सूर्य की ओर तो मुंह है नहीं, तो हम ईस्ट की ओर देख रहे हैं, शाम का समय है, तो परछाई कहां बनेगी, स्कूटर के आगे बनेगी या सामने बनेगी। तो देखिए सामने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला इसी में अगला जो क्वेश्चंस है वो क्या है जरा समझेंगे, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, देखिए आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट एक से एक बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए
और आप सभी लोगों को बता दें, प्रयास ये है गुरुकुल एकेडमी का कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएं लेटेस्ट पैटर्न पे। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि कॉन्सेप्ट जो दिए जा रहे हैं वो आप जब समझेंगे तभी आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको समझो, बहुत जरूरी, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि रश्मि सूर्यास्त के समय, वंस अगेन गाय, देखिए वंस अगेन क्वेश्चन फिर से वही आ गया, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और क्या है भाई, वेस्ट है। अब देखिए सूर्यास्त का समय फिर से आ गया, तो कह रहा है यदि रश्मि सूर्यास्त के समय घर से बाहर निकले और कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़े और कुछ दूर चलने के बाद फिर वह अपने बाएं मुड़े, यदि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रही हो तो उसकी परछाई उसके किस तरफ बनेगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट उसने पूछ लिया है कि रश्मि दक्षिण दिशा की ओर जा रही हो, मतलब रश्मि का फेस दक्षिण दिशा में ही होगा भाई, और सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त का समय है तो सूर्य शाम के समय पे यदि किसी पर्सन का फेस साउथ में होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया हूं, तो परछाई ये आपका मॉर्निंग का जस्ट अपोजिट होता है भाई, तो परछाई आपके कहां बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी, कहां बनेगी, लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाएं। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है आपके सामने, ये देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, पढ़िए आप सब लोग, पढ़ें इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द, अगर अपने आप उत्तर देने का प्रयास करें, उत्तर दें, बताएं। एक व्यक्ति किसी शाम को पार्क में टहलते समय मुझसे हाथ मिलाता है, यदि उसकी परछाई मेरे सामने पड़ रही हो तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। समझो शाम का समय है और वह व्यक्ति मुझसे हाथ मिला रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर कोई इंसान किसी से हाथ मिलाएगा तो आमने सामने करके ही हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि हाथ मिलाता है, यदि उसकी परछाई मेरे सामने पड़ रही हो भाई। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ गया, हमेशा ध्यान रखो किसी भी व्यक्ति की परछाई किसी व्यक्ति के दूसरे के सामने तब पड़ेगी जब पहले उस व्यक्ति की परछाई उसके स्वयं के सामने पड़नी ही चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। उसने कहा कि उस व्यक्ति की परछाई, लिखा हुआ है उसकी परछाई मेरे सामने पड़ रही है, तो मतलब सबसे पहले उसकी परछाई उसके सामने पड़नी चाहिए, और उसके सामने पड़ेगी और सूर्यास्त का समय है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति का चेहरा पूरब की ओर हो गया भाई, और अगर उस व्यक्ति का चेहरा पूरब की ओर होगा तो फिर मेरा चेहरा कहां हो जाएगा भाई, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो कह रहा है सामने पड़ रही है तो उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह पूछा गया था, उस व्यक्ति का सामने पड़ रही हो तो उसका मुंह किस दिशा में, तो अभी मैंने बताया उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा भाई, पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चंस जितने आसानी से तसल्ली से आप पढ़ेंगे उतनी ही क्लैरिटी निकल के आएगी। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है मैं सूर्यास्त के समय साइकिल पर घूमने निकला, यानी इवनिंग टाइम की बात हो रही है। मैं अच्छा ये पांचवा आ गया क्वेश्चन, चलिए अभी इसका, हाँ ये देखते हैं, चलिए चार व्यक्ति, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चार व्यक्ति दीपक रवि सूरज मोहन, ठीक है, शाम के समय कैरम खेल रहे हैं, ये देखिए इवनिंग टाइम है और ये सब लोग शाम के समय कैरम खेल रहे हैं, तो देखिए इसका जो फेस, अभी मैं बताता हूं आपको, ये देखिए क्वेश्चन में, यानी ये यहां सूरज बैठा है, ये मोहन बैठा है, ये यहां, ये इस तरीके से फेसिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दीपक है, रवि है, सूरज है, मोहन है, शाम के समय कैरम खेल रहे हैं, यदि दीपक की परछाई रवि, हाँ तो दीपक की परछाई रवि के किस तरफ पड़ेगी भाई। तो ये देखिए यहां पे दीपक का फेस अगर साउथ में है और शाम का समय है, तो दीपक की परछाई रवि के किस तरफ पड़ेगी। तो रवि अगर फेस करके बैठा है वेस्ट में, तो अगर इसका फेस वेस्ट में है तो डेफिनेटली सी बात है रवि का फेस अगर वेस्ट में होगा तो ऊपर राइट होगा और नीचे क्या होगा इसका, लेफ्ट होगा भाई। तो वो यही कह रहा है कि दीपक की जो परछाई है वो रवि के किस तरफ पड़ेगी, तो रवि के दाएं पड़ेगी, तो दाएं आपका ये क्या आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए इसमें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके सामने इसमें बनाए गए हैं, ठीक है, रखे गए हैं आप लोगों को, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा हम लोग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं सूर्यास्त के समय साइकिल पर घूमने निकला। अब कोई सूर्यास्त का समय है तो हम साइकिल पर निकल रहे हैं भाई घूमने के लिए। ये देखिए इस तरीके से, तो फेसिंग तो हमेशा याद रखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका क्या दिया हुआ है ईस्ट, और ये क्या दिया हुआ है वेस्ट, और ये देखिए सूर्यास्त हो रहा है। अब मैं साइकिल से घूमने के लिए निकला भाई, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद मैं अपने बाएं मुड़ जाता हूं और कुछ दूर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर चला, और एक बार फिर से दाएं मुड़ा और फिर चला। यदि इस समय मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं तो मेरी परछाई अब कहां बनेगी। ये लीजिए भाई, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, सूर्यास्त का ही समय है, तो जब मतलब चेहरा कहां हो गया भाई, सूर्य की तरफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, आपको सिर्फ फंसाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। इतनी बड़ी लैंग्वेज आपके सामने लिखी गई और लास्ट में आकर आपसे कह दिया यदि इस समय मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं तो बताओ मेरी परछाई कहां बनेगी। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है, समय है सूर्यास्त का, इसका मतलब सूर्य की तरफ देख रहे हैं, चेहरा सूर्य की तरफ है। तो अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि किसी पर्सन का चेहरा सूर्य की ओर होगा तो परछाई सदैव उसके पीछे बनेगी। तो मेरा मुंह अगर पश्चिम की ओर है तो परछाई कहां बनेगी, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, कहां बनेगी भाई, मेरे पीछे। तो परछाई का जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, जो समझा, वो इस तरीके के क्वेश्चंस जो बनते हैं, है ना, उनको हम लोग समझते हैं। इसी तरीके से देखिए मैं आपको बता दूं, आप सभी विद्यार्थियों को मेहनत से पढ़ना है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं इनको समझिए और आप इनसे आप क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करिए। और मैं आपको बता दूं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको इसी कॉन्सेप्ट पर देखने को मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाएंगे, चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस और आते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको समझें। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक निकल के आया आपके सामने, सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करें। ये देखिए, यदि ए बी के पूरब में हो भाई, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ये हमने बी बनाया और बी के पूरब में देखिए ए आ गया, ठीक है। साइड्स की बात है, कभी भी कोई क्वेश्चन शुरू करिए हमेशा ऐसे करके मार्क बनाया करिए, मार्क क्या शो करता है, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब यदि ए बी के पूरब में हो और बी सी के उत्तर में हो, बी किसके उत्तर में हो, सी के, तो डेफिनेटली सी यहां कहीं बैठेगा और सी के उत्तर में कौन आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। बी सी के उत्तर में हो तो सी ए के किस दिशा में है, ये देखिए ए से, ए से बैठे थे, ए से डायरेक्शन हमको बतानी है कि किस दिशा में है। तो देखो बेटे ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। वो कह रहा है सी ए के किस दिशा में, साउथ वेस्ट, क्या ऑप्शन में कहीं साउथ वेस्ट है, नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक, क्या है भाई छठा क्वेश्चन, नहीं सातवां क्वेश्चन आ गया, चलिए सातवां क्वेश्चन ये है, यदि पी क्यू के पूरब में, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्यू के पूरब में कौन है भाई, पी है, ये देखिए यदि पी क्यू के पूरब में और क्यू का मुंह सी की ओर हो जो उत्तर में देख रहा है तो क्यू की परछाई कहां बनेगी। अरे वाह भाई, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी, देखिए वो कह रहा है यदि पी क्यू के पूरब में, तो पी जो है वो क्यू के पूरब में है और क्यू का मुंह सी की ओर हो जो उत्तर की ओर देख रहा है, जो कौन, सी, सी देख रहा है, देखो भाई उत्तर की ओर, और क्यू का मुंह अगर सी की ओर है तो इसका मतलब क्यू कहां देख रहा है आपका, साउथ में देख रहा है, ठीक है, जो उत्तर में देख रहा है, तो क्यू की परछाई कहां बनेगी। अब यहां पर प्रश्न ये आ जाता है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखो कि क्या कहीं पर कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है,
क्या ये दिया हुआ है कि ये भाई मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम है। अब देखो निकालने वाले तुरंत इसको निकाल देंगे, कहेंगे कि देखिए सर फेस साउथ में है तो परछाई कहां बनेगी। जिसको मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट याद होगा वो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग बताएगा, जिसको इवनिंग का कॉन्सेप्ट याद होगा वो इवनिंग के अकॉर्डिंग बताएगा। लेकिन आपके विकल्प में दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ रही है? सीएनडी आंसर क्यों आ गया? सीएनडी आंसर इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर यह कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि भाई दोनों का फेस जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मॉर्निंग टाइम पीरियड है या इवनिंग टाइम पीरियड है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामने आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगला आ रहा है आपके सामने, ये लीजिए सूर्यास्त के समय। अब देखो इस क्वेश्चन को भाई आप लोग करो, बताओ आंसर्स क्या आना चाहिए, चलिए देखते हैं। सूर्यास्त के समय सुमन की पड़ोसी रागिनी सूर्य को छुपते हुए देख रही है। तो भाई सुमन की कोई पड़ोसी होगी, ठीक है, वो सूर्य को छुपते हुए देख रही है, ठीक है देख रही है, तो सुमन की परछाई सुमन के किस तरफ बनेगी। अब लो शाम का समय है, इसको समझो भाई, अब टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सूर्यास्त के समय सुमन की पड़ोसी रागिनी सूर्य को छुपते हुए देख रही है, तो इसका मतलब रागिनी अगर सूर्य को छुपते हुए देख रही है तो रागिनी का चेहरा तो बेस्ट में हो गया ना भाई। अब रागिनी का चेहरा बेस्ट में हो गया, सूर्य को छुपते हुए देख रही है, तो सुमन की परछाई सुमन के किस दिशा में बनेगी। अब रागिनी सूर्य को छुपते हुए देख रही है ये तय है, लेकिन इसमें जो क्या नाम है सुमन, हाँ सुमन के बारे में नहीं पता अभी हो रहा है कि उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से सभी लोग सुनेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आप उस पर कई जो भी क्वेश्चंस जो भी क्यूरी हो आप डाल सकते हैं। ये वीडियो इससे पहले जो वीडियो आपने देखा था इससे पहले डायरेक्शन टाइप फर्स्ट था, ये डायरेक्शन टाइप टू है। अब आप हर तरीके के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए, आप जरूर लगा ले जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। जय हिंद।